साथियों, आज दुनिया में भारत की इकोनॉमी फिफ्थ नंबर पर पहुंच गई, पांच नंबर पर दुनिया में। दोस्तों, पांच नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। और 2014 के पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तब हम 10 नंबर पे थे, 10th पर थे। फिर 2014 में आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनाई, भारत 10th नंबर की इकोनॉमी से देखते ही देखते 9th पर पहुंच गया। लोगों ने देखा, चलो भाई कुछ हो रहा है। फिर भारत 9 से 8 नंबर पे पहुंच गया, 8 नंबर पे पहुंच गया। लोगों को लगा, चलो यार मोदी जी कुछ कर रहे हैं। फिर भारत 8 नंबर से दुनिया की 7 नंबर की, 7 नंबर की इकोनॉमी बन गया। अचानक दुनिया का ध्यान गया कि ये भारत अचानक तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कौन कर रहा है। और फिर भारत देखते ही देखते 7 नंबर से 6 नंबर पे पहुंच गया। लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई, चर्चा बढ़ गई, लोग कहने लगे मोदी कुछ तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ही समय बाद हम 6 नंबर से 5 नंबर पे पहुंच गए, 6 से 5 पर पहुंच गए। पूरी दुनिया भारत को नई दृष्टि से देखने लगी, भारत में भी गांव में भी चर्चा होने लगी, 5 नंबर हो गए, 5 नंबर पे हो गए। लोग कहने लगे इंडिया हैज अराइव। आपको पता है, भारत 5 नंबर पर पहुंच गया तो पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में चेतना क्यों आ गई, भारत में सामर्थ्य क्यों दिखने लगा, मैं इसका कारण बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है और यहां पर बैठा हुआ हर देशभक्त खुशी से भर जाएगा। साथियों, 5 नंबर पे वो देश था जिसने 250 साल तक हम पर राज किया था, इंग्लैंड जो हमने गुलाम बना करके रखा था, जिसने हम गुलाम की तरह रहते थे और वो 5 नंबर की इकोनॉमी पर थे। ये भारत की ताकत है कि जो 250 साल तक हमको गुलाम रखा था, आज हम 5 नंबर पे पहुंच गए। भाइयों, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोस्तों, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साथियों, अब भारत को 5 नंबर पे रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। आप मुझे बताइए, 5 नंबर से हमें पहले 3 में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? आप चाहते हैं पहले 3 में पहुंचना चाहिए? आप चाहते हैं करना चाहिए? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? मोदी नहीं करेगा, आपका एक वोट करेगा, आपके वोट की ताकत है। आप बीजेपी को वोट दो, हम कर्नाटका को नंबर 1 बना देंगे और कर्नाटका नंबर 1 बनेगा, हिंदुस्तान नंबर 3 पर पहुंच जाएगा भाइयों। और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मैं आपके आशीर्वाद लेने आया हूं। भाइयों बहनों, कर्नाटक में सिर्फ बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं, पूर्ण बहुमत वाली मजबूत और स्थिर बीजेपी सरकार चाहिए।
और इसलिए अब समय का बुधवार को तो मतदान है, 10 मई को आपका वोट देश और कर्नाटका का भविष्य तय करेगा। जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो ज्यादा निवेश आएगा, जब अधिक निवेश भारत आएगा तो उसका लाभ कर्नाटका को होगा, हावेरी को होगा। जितना निवेश अधिक आएगा उतने ही रोजगार अधिक तैयार होंगे।